छत्तीसगढ़ के ग्राम चिरचारी व आसपास के किसानों ने विद्युत लो वोल्टेज से परेशान होकर विद्युत कार्यालय का घेराव किया है। धरना स्थल पर किसी की अप्रिय घटना ना हो, इसीलिए पुलिस मौके पर दल बल के साथ पहुंच गई। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ विकास खंड के कई ग्रामों में पिछले 6 माह से विद्युत लो वोल्टेज हो रही है। इससे प्रभावित किसानों ने आज विद्युत विभाग कार्यालय का घेराव कर दिया। इस दौरान किसानों ने कहा कि खेती के समय लो वोल्टेज से खेती करने में ज्यादा परेशानी हो रही है। बताते चले कि ग्राम पंचायत चारभांटा, मोहनपुर, बागेर कसा आदि गांवों से भी अत्यधिक जनसंख्या में किसानों के द्वारा बिजली ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। लगातार हो रही लो वोल्टेज एवं बिजली में कटौती की समस्या में निरंतर वृद्धि हुई है, जिससे किसानों को कृषि पंप व मोटर चलाने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। किसानों के मोटर पंप व घरों में टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखे जल रहे हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी परेशान हैं। चिरचारी सबस्टेशन में पावर ट्रांसफार्मर प्रस्तावित है, जो आज तक नहीं लग पाया है। कोचीटोला में भी ट्रांसफार्मर प्रस्तावित है, जो अभी तक नहीं लग पाया। वर्तमान में सभी किसान अपनी खेती कार्य में संलग्न है, जो मात्र 3 से 4 महीने ही किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वहीं किसानों ने यह भी कहा कि कृषि कार्य हेतु ना तो बिजली मिल रही और ना ही पर्याप्त वोल्टेज मिल रही है। किसानों के जीवन के साथ घोर अन्याय हो रहा है। इसके पूर्व भी 2 बार ज्ञापन सौंपा जा चुका है। इस दौरान यह भी कहा गया कि समस्या का निदान होगा, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। डोंगरगढ़ से संवाददाता भूषण सिन्हा की रिपोर्ट। हम लोगों ने पिछले 2 साल से विद्युत विभाग को ज्ञापन सौंप रहे हैं कि विद्युत कटौती और लो वोल्टेज के संबंध में, लेकिन विद्युत विभाग के द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई थी। इसी उपरांत आज हम लोगों ने मजबूर होकर के यहाँ पे धरना प्रदर्शन छोटी सी बैठे हैं, और हम सभी का यही मांग है कि इस सब स्टेशन में पावर ट्रांसफार्मर लगाया जाए, जो विगत कई वर्षों से हमारी मांग है, लेकिन विद्युत विभाग के द्वारा सुनाई नहीं दिया जा रहा था। लेकिन आज हमें उच्च अधिकारी से यह आश्वासन दिया गया है कि 15 दिवस के अंदर, लिखित में दिया है कि 15 दिवस के अंदर हम पावर ट्रांसफार्मर लसन मिला है, लेकिन बिजली कटौती, लो वोल्टेज की समस्याएं हल नहीं हुई है। इस वर्ष अधिकतम बहुत ज़्यादा वर्षा नहीं होने के कारण किसानों की मोटरें उड़ी है, फ्रिज टीवी उड़ी है, और हमने 6 तारीख को ये आंदोलन की चेतावनी विद्युत विभाग को दिए थे। इस बीच में अभी तक तो कोई हल नहीं हुआ। आज हमें आश्वासन मिला है कि 15 दिन के अंदर में हम ये समस्या हल कर देंगे। किसान लाइट बंद होना और उससे किसानों को भारी नुकसान है, पानी की समस्या है, ये सब देखते हुए हम लोगों ने आगे कुछ सालों से 3 सालों से आश्वासन मिला था इसका। 2-3 बार हमने उसको और दिए लिखित में, इसका भी कोई विज्ञापन का कोई नहीं हुआ शासन के द्वारा भी। जी सर बताइए। लो वोल्टेज के नाम से लागू आसपास के ग्रामीणों की शिकायत थी, जिसके संबंध में आज ज्ञापन देने के लिए चिरचारी इनका पूरा ज्ञापन देने का कार्यक्रम पूरी तरह शांति तरीके से। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.